हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने कक्षा पाँचवीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। कुछ हमने अंतिम वीडियो में पढ़ लिया था, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम इसमें पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा की रचना, तो भाववाचक संज्ञा की रचना हम पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, दूसरा है सर्वनाम शब्दों से, तीसरा है विशेषण शब्दों से, चौथा है क्रिया शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक एक साइड लिखा हुआ है, जातिवाचक संज्ञा एक में है भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। मानव मानवता, मित्र मित्रता, बच्चा बचपन, अतिथि आतिथ्य, इंसान इंसानियत, स्त्री स्त्रीत्व, दोस्त दोस्ती, दास दासता, चोर चोरी, विद्वान विद्वत्ता, शिष्य शिष्यत्व, सदस्य सदस्यता, शैतान शैतानी, नेता नेतृत्व, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, ठग ठगी, बंधु बंधुत्व, मिठाई मिठास, पंडित पांडित्य, बूढ़ा बुढ़ापा। सर्वनाम संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। निज निजता, आप आपा, मम ममत्व, एक एकता, अह अहंकार, पराया परायापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भला भलाई, बुरा बुराई, चौड़ा चौड़ाई, ऊंचा ऊंचाई, धीर धैर्य या फिर धीरता, सज्जन सज्जनता, अच्छा अच्छाई, गहरा गहराई, स्वस्थ स्वस्थ स्वास्थ्य, कंजूस कंजूसी, मधुर मधुरता। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। लूटना लूट, पढ़ना पढ़ाई, पीसना पिसाई, थकना थकान या फिर थकावट, झड़ना झड़ी, भूलना भूल, सीना सिलाई, जोतना जुताई, कसना कसावट, मारना मार। तो ये क्या था, ये थी भाववाचक संज्ञा की रचना, जो कितने प्रकार से होती है, चार प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। तो ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।